बता दें कि अमेरिका के स्कूलों में लगातार बढ़ती गोलाबारी की घटनाओं से बचने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। वहीं इसी सिलसिले में अब यूएस के न्यू मैक्सिको में एक स्कूल में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसके तहत एक रोबोट दिन के 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन कैंपस में गश्त लगा रहा है। लेकिन फिलहाल ये रोबोट सेंटा फे हाई स्कूल में स्कूल की सामान्य गतिविधियाँ सीख रहा है। ये ऐसे लोगों की पहचान करता है जो कई घंटों के बाद कैंपस में देखे जाते हैं या फिर व्यवहार करते हैं। अगर किसी शूटर या अन्य तरह का खतरा है तो ये रोबोट सिक्योरिटी टीम को अलर्ट कर देगा। जी हाँ, रिपोर्ट्स के अनुसार बता दें कि खतरा होने पर यह रोबोट घुसपैठियों की ओर बढ़ेगा और सुरक्षा अधिकारियों तक वीडियो फुटेज भी पहुंचाएगा। भले ही यह रोबोट अभी हथियारों से लैस ना हो, मगर ये घुसपैठियों का सामना करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, सुरक्षा टीम के सदस्य इस रोबोट के कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए घुसपैठियों से बातचीत भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि स्कूलों में गोला बारी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कई कंपनियां अब इस तरह के रोबोट्स को पेश कर रही हैं। वहीं स्कूल ने अभी पायलट टेस्ट के दौरान रोबोट को हथियार से लैस नहीं करने का विकल्प चुना है। हालांकि सुरक्षा टीम यह भी देख रही है कि क्या इसे बाद में जोड़ा जा सकता है, और ये जानकारी स्कूल के ही कार्यकारी निदेशक ने दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार रोबोट में फिलहाल चेहरे की पहचान करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन स्कूल के पास इसके वीडियो फुटेज का मालिकाना हक होगा। इसका मतलब यह है कि अभी स्कूल ही तय करेगा कि वीडियो को सेव करना है या नहीं। हालांकि अब तक रोबोट ने कैंपस में घुसपैठियों को नहीं देखा है, लेकिन उसने सुरक्षा टीम को कुछ कर्मचारियों के स्कूल में घुसने की जानकारी जरूर दी है और इसमें बंद दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे लोगों को भी सतर्क किया है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें। और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।